हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। और आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने जा रही हूँ जो बहुत ज़्यादा असरदार है, जो आपके फेस से दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, इन सब को दूर करता है, जो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और बहुत जल्दी इसका असर आपको देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताऊँगी क्या है ये घरेलू नुस्खा। फ्रेंड्स, हम इसमें यूज़ करेंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल स्किन के शाइनिंग के लिए बहुत इफ़ेक्टिव होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसलिए हम इसमें 2 चम्मच नारियल का तेल इस्तेमाल करेंगे। सेकंड, हम इसमें यूज़ करेंगे कपूर। कपूर की 3 से 4 गोलियां हम इस्तेमाल करेंगे। कपूर फेस के लिए बहुत अच्छा होता है। कपूर के इस्तेमाल करने से अगर हमारे फेस में कोई इन्फेक्शन है, कोई जलन हो रही है, तो वो हट जाती है। और वैसे भी कपूर नारियल के तेल के साथ स्किन के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, इसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं दाग धब्बे हटाने के लिए। कपूर का पाउडर बना के रखा है, तो हम 1 चम्मच कपूर इस्तेमाल करेंगे। और अब हम इसमें यूज़ करेंगे एलोवेरा जेल, जो कि मैंने पतंजलि का एलोवेरा जेल इस्तेमाल किया हुआ है। एलोवेरा के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं, वो स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। और अब हम इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये एक सीरम की तरह इस्तेमाल किया जाता है, इसे आप स्टोर करके भी रख सकते हैं, क्योंकि ये ख़राब नहीं होता है। और आप इसका रेगुलर इस्तेमाल करके अपने दाग, धब्बे, पिगमेंटेशन, फाइन लाइन, इन सारी चीज़ों से ईजिली छुटकारा पा सकते हैं। यह आपके चेहरे को ब्राइट लुक देता है, ग्लो करता है, और आप पहले से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो आइए अब मैं आपको बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। फ्रेंड्स, इस तरीके से इसे लेकर अपने फेस पे, जिस जगह भी आपको प्रॉब्लम है, दाग धब्बे हैं, वहाँ पे इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप अपने पूरे फेस पे भी इसे इस तरीके से लगा सकते हैं। और आप धीरे धीरे इस तरीके से 5 से 7 मिनट तक मसाज कर सकते हैं। मसाज करने से डेड सेल्स और जो ड्राई स्किन होती है वो रिमूव हो जाती है और आपको एक नई निखरी हुई स्किन देखने को मिलती है। इस तरीके से मसाज करने के बाद आप इसे कॉटन की हेल्प से या फिर ठंडे पानी से साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इसे अप्लाई करने के बाद मेरा स्किन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट भी लग रहा है और पहले से काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लग रहा है। तो आप इसका इस्तेमाल करके आप अपने फेस के दाग, धब्बे और अनवांटेड स्पॉट्स जो होते हैं, आप उसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको यह नुस्खा बहुत पसंद आया होगा और आप इसे इस्तेमाल करेंगे, ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स पर ज़रूर मुझे शेयर करेंगे अपना एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स, आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।